हेलो दोस्तों, तो एमिस किचन लाइफ में आपका स्वागत है। तो चलिए एक रेसिपी बनाते हैं जो कम खर्च में एकदम स्वादिष्ट रेसिपी बनने वाला है। इसे बनाने के लिए हम आटा ले लेंगे। आटा जिसकी रोटी बनती है वही आटा ले लें। तो एक बाउल आटा ले लें और जितना आटा ले रहे हैं उसी के बराबर आलू को छील करके पतला पतला काट लें और मिला लें। एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी, दो तीन हरी मिर्च बारीक काट करके डाल दें, एक मीडियम साइज के प्याज जिसे मसल करके डालना है, धनिया पत्ता थोड़ा ज़्यादा डालना है तो दो टेबल स्पून धनिया पत्ता डाल दें बारीक काट करके, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर और एक चौथाई चम्मच जीरा पाउडर भी मिला दें। नमक आप अपने अकॉर्डिंग डालें, कच्चा बादाम जरूर डालें, इससे आपका स्वादिष्ट ज़्यादा बनेगा। शिमला मिर्च को भी बारीक काट करके डाल दें। अब सभी को डाल करके हल्के हल्के पानी डाल करके इसे मिला लेना है जैसे पकौड़ा बनाते हैं। तो चलिए ये तैयार हो चुका है, तो चलते हैं बनाने। एक पैन में तेल गरम करें, पकौड़ा की तरह इसे डीप ब्राउन कर लेना है। फ्लेम मीडियम ही रखें, ज़्यादा हाई फ्लेम ना करें। तो ये आटे का पकौड़ा बनकर के तैयार है। गाइस ये बनाना भी आसान है और खर्च भी कम है। कम ही सामान में इसे आप बना करके चाय के साथ ले सकते हैं। तो गाइस ये आपको वीडियो कैसा लगा, आपने बनाया तो कैसा बना ज़रूर कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के थैंक यू, टेक केयर।